Good morning, everybody. I heartily welcomes back you on this online session. I, Vasid Khan, before you with class 10, science. In chapter 1, yesterday we learned vitamin malnutrients. Today we are going to learn the next point, that is protein malnutrients. Yesterday we learned in vitamin malnutrients, if there is lack of vitamin in our balanced diet, then there will be many types of disease such as night blindness, beriberi, riboflavin, scurvy and rickets. All disease are caused due to the lack of vitamin. Today the next topic, that is protein malnutrients. In this topic we will learn especially the disease caused by protein. So let us start without wasting your time. As we all know, poor people's are unable to take enough protein. जैसे कि आप जानते हो, जो गरीब लोग होते हैं वो enough जो protein है, vitamins है, वो अपने diet में नहीं ले पाते. That's why protein malnutrients disease can be seen in poor people especially. If we talk about Indian states, then UP is the most populated states where this type of problem can be found. So poor people are unable to take enough protein in diets. In poor people's diet, mainly contains carbohydrates. And their diet mainly contains carbohydrate, that's why this result in disease called kwashiorkor and marasmus. Means, jo protein hai, uski kami ki wajah se kaun si disease hoti hai, especially jo disease cause hoti hai protein, malnutrients की वजह से वो क्वाशियोकोर है और दूसरा है मेरिस्मस. इफ यू टॉक अबाउट क्वाशियोकोर, क्वाशियोकोर क्या होता है, उसके अगर सिम्टम्स अगर देखिए अपन या उसके करैक्टरिस्टिक देखिए तो क्या फाइंड आउट करोगे आप, ब्लोटेड जो स्टोमक है, स्टोमक जो पेट होता है वो ब्लोटेड हो जाता है एंड स्किन में वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, स्किन में बिल्कुल सूख जाती है, पेची स्किन हो जाती है और लेक ऑफ हंगर, भूख की ज्यादा से ज्यादा कमी रहती है. मींस आप ऐसा कोई पेशेंट है जिसको क्वाशियोकोर हो रखा है, उसको आप इजीली देख सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि इसके अंदर आपको क्या क्या दिखेगा. स्किन है बिल्कुल ड्राई रहेगा, उसका जो बैली है स्टोमक वो बिल्कुल पैचेस रहेगा. मीन्स आप इंटरनल जो पार्ट की शेप है वो बिल्कुल देख सकते हो. कहने का मतलब है बॉडी वो बिल्कुल थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी. स्पेशली ये जो क्वाशियोकोर डिजीज है ये मलन्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है, प्रोटीन मलन्यूट्रिएंट्स की वजह से, और ये सबसे ज्यादा बच्चों में देखा जाता है. बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, एज वेल एज जो प्रेग्नेंट वुमन है वो भी इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, और एडोलसेंस यानी किशोर है वो भी इस रोग से सबसे ज्यादा ग्रसित होते हैं. सेकेंड जो है डिजीज जो कि प्रोटीन मलन्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है वो है मेरास्मस. It is also a protein malnutrients disease when the diet lacks both protein and energy giving food. अगर diet के अंदर protein और energy giving food दोनों की कमी है तो marasmus हो जाता है. The patient become thin. इसमें भी patient क्या होता है, बिल्कुल पतला हो जाता है. जैसे kwashiorkor की वजह से जो patient है उसकी जो skin dry हो जाती है, belly या stomach वो patches हो जाता है, वैसे ही marasmus के अंदर भी क्या होता है, body है वो बिल्कुल थिन हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, और ये भी सबसे ज्यादा बच्चों को इफेक्ट करता है. एंड बच्चे भी कौन से, जिनकी एज 1 ईयर से कम होती है. व्हेन द मदर ऑफ सच अ चाइल्ड बिकम्स प्रेग्नेंट द चाइल्ड इज, अगर ये एक ऐसी डिजीज है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको अगर हो रही है तो जो कमिंग बेबी है यानी आने वाला जो बच्चा है उसमें भी ये रोग, ये डिजीज है वो आएगी. स्पेशली जो मलन्यूट्रिएंट्स है, जो प्रोटीन मलन्यूट्रिएंट्स की वजह से जो डिजीज होती है ये क्या है, मतलब इनका जो रीजन है बिहाइंड पीछे होने का, वो पावर्टी यानी गरीबी दरिद्रता की वजह से पीपल सब वो अपने डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, इस वजह से इस तरह के जो डिजीज है वो सबसे ज्यादा स्प्रेड होती है. Both kwashiorkor and marasmus can be prevented by providing enough protein. ये दोनों ही डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इनफ प्रोटीन है वो डाइट के अंदर दे सकते हैं.
एंड कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेड इन फूड, कार्बोहाइड्रेट को कम से कम करके और प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा ऐड करके इन डिजीज से छुटकारा पाया जा सकता है. दिस डिजीज कैन बी ट्रीटेड विद ए सुटेबल न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स. अगर अपन अच्छा सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स वाला फूड प्रोवाइड करवाएंगे तो इन डिजीज को सिर्फ पेशेंट्स के ही नहीं पूरे इंडिया से आउट कर सकते हैं. सो एज एन अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज आवर प्राइम ड्यूटी इफ वी सी दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स देन सजेस्ट देम टू टेक मोर एंड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी. टुमारो विल अगेन मीट विद द सेम चैप्टर विथ ए न्यू टॉपिक. थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर.